वेजिटेबल ऑयल सेक्स के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है। देखिए, वेजिटेबल ऑयल सेक्स के लिए नुकसानदायक हैं तो मैं कहूँगा हाँ, बहुत ही नुकसानदायक है। और उसके पीछे क्या कारण है और ये कैसे सेक्स पर असर डालता है, ये भी मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए, पहले समझते हैं वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल मतलब जैसे सोयाबीन का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, पाम ऑयल है, ये वेजिटेबल ऑयल में आते हैं। अब बात करेंगे, देखिए एक बार जब मार्केट में आया था स्टार्टिंग में वेजिटेबल ऑयल, तो हर डॉक्टर ने वेजिटेबल ऑयल रिकमेंड किया। सब ने कहा कि सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हर तरफ मैं कहता हूँ इतना बिकता था और अब भी बिकता है, ऐसी बात नहीं है। यदि मैं बात करूँ इंडिया में पेट्रोल के बाद इसी का नंबर आता है बिकने में, इतना बिकता है। लेकिन जैसे जैसे इसको लोगों ने खाने स्टार्ट किया, अपनी डाइट में लिया, तो क्या देखा, और ये रिसर्च है, रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो देखी है, पूरा रिसर्च किया है, पूरा गूगल छाना है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको। तो जब देखा गया कि जैसे ही जो लोग वेजिटेबल ऑयल का ज़्यादा लंबे से समय से इस्तेमाल कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि उनको हार्ट की परेशानी हुई, मतलब हार्ट की बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ी, और हार्ट की बीमारी का सेक्स से बहुत बड़ा संबंध है। इसके ऊपर मैं पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ कि जिसके हार्ट में प्रॉब्लम है उसको सेक्स में प्रॉब्लम है, और जिसको सेक्स में प्रॉब्लम है उसको हार्ट में प्रॉब्लम है। दोनों ही एक हैं, अलग अलग नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने वेजिटेबल ऑयल का लंबे समय से इस्तेमाल किया, उनको ऑटो इम्यून डिजीज भी हो गई। तो फिर इसके बाद इस पर हल्ला मचा कि यार वेजिटेबल ऑयल को कम करो। लेकिन लोगों ने अपनी डाइट में इतना इस्तेमाल कर चुके थे और कर भी रहे हैं कि जिनकी वजह से उनको सेक्स में प्री मैच्योर इजेकुलेशन होना स्टार्ट हो गया और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या स्टार्ट हो गई। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वेजिटेबल ऑयल मत लीजिए। इसकी मतलब यदि आपको लेना है, इसकी जगह आपको रिप्लेस कर देना है, आप इसमें आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हो, मक्खन इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसमें ओलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो। इसके ऊपर मैं एक फिर वीडियो बना दूंगा कि आखिर ये ऑयल ही क्यों सेक्स के लिए फायदेमंद है। लेकिन हम आज जो वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं ओनली वेजिटेबल ऑयल। हाँ, इसमें मस्टर्ड ऑयल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वो नेचुरल है। वो जितने भी ऑयल आ रहे हैं ना, जो सोयाबीन का है या सूरजमुखी का है, पाम ऑयल, कहीं ना कहीं केमिकल मिक्स होकर आते हैं। लेकिन मस्टर्ड ऑयल आराम से आपको गाँव में ईजिली मिल जाएगा, उसमें कोई केमिकल नहीं मिलता, बिल्कुल शुद्ध रूप से आपके घर तक आ सकता है, क्योंकि हर गांव में इसके वो लगे हुए हैं, मिल लगे हुए हैं, तो आपको आराम से मिल जाएगा। आप इसमें मस्टर्ड ऑयल के इस्तेमाल कीजिए, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरे ऑयल हैं जो फैक्ट्री से आ रहे हैं, पता नहीं आप कहाँ कहाँ से ले रहे हो, पैकड आ रहे हैं, वे मत इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। तो लास्ट में मेरा आपको कहने का ये मतलब है, देखिए मेरे पास क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन का एक तरह का आंसर मैं दे रहा हूँ। वेजिटेबल ऑयल आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, कभी कभी चलता है, लेकिन डेली रूटीन में आप वेजिटेबल ऑयल मत लीजिए। और मैं तो एक चीज़ और कहूँगा कि आप जितना हो सके ना अपना ऑयल है या घी है आप चेंज करते रहिए। मतलब ये नहीं कि आप वेजिटेबल ऑयल लगा रहे हो तो डेली ऐसे कर रहे हो, आप चेंज कर सकते हैं, महीने दो महीने में चेंज करते रहिए, कंटिन्यू एक ऑयल ना रखिए। नहीं तो आप मस्टर्ड ऑयल तो आप परमानेंट यूज इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी नुकसान नहीं है। तब भी कोई बात है, कोई समस्या है, या आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो, तो बेफिक्र होकर स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे अपना मैसेज मुझे छोड़ सकते हो, या कोई वॉइस मैसेज छोड़ सकते हो, और अपनी किसी भी बीमारी की समस्या का कारण या कोई रिपोर्ट आपको चेक करानी है, बेफिक्र होकर मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।